अभी सिल्वर प्ले बटन को छत पर लेकर आ गया हूँ और नीचे लाइट भी नहीं थी, अंधेरा हो रहा था, तो मैंने सोचा छत पर लेकर आके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि आप लोगों को भी ये अच्छे से दिख जाए। ओहो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये सही लग रहा है मुझे तो, ये मजे का गुड। ये पकड़ो, मैं तुम्हें पकड़ाता जाता हूँ, सही है, जेबें भर लो अपनी। किसी ने तोहफे में ये बादाम दिए थे, मैं उसका नाम तो नहीं लेता, लेकिन उसने मुझे कहा था कि तुम रोजाना ये तोड़ के खाया करो, तुम्हें अकल थोड़ा तेज हो जाएगा व्लॉग्स बनाने में। यकीन करें मैंने ये एक दाना खाया था, बहुत ही मजे का था। इसको ना हम अंडा न्योटी बोलते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कामरान विलेज व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते हुए रहें। कल ही मैं अपने गांव पहुंचा था फिर से, तो जैसे गांव में पहुंचा ना, जितने भी लोग मुझसे मिलते कहते यार कामरान तुम तो शेर का रुख कर लिया था, शेर चले गए थे वापस से गाँव पहुँच गया। तो यार मैंने उनको कहा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, जिधर मुझे कंटेंट मिलेगा मैंने तो वहाँ पर जाना है। लेकिन उनको ऐसा लगा होगा ना कि क्या होता है हमारे गांव में सर्दियाँ आने लगती हैं तो हमारे अक्सर जो लोग होते हैं वो शहर का रुख कर लेते हैं, तो उनको लगा होगा कि कामरान भी भाग गया शहर की तरफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके भाई को जिधर कॉन्टेंट मिलेगा वहाँ पर जाना है, बेशक सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फबारी हो रही हो, जो मर्जी हो रही हो। बस ये सीज़न भी एंड होने लगे, हमारे गाँव में जितने भी खेत हरे भरे हुए थे ना उन सब की कटाई हो चुकी है। अभी आलू टमाटर प्याज इनकी बारी आ गई है, इनकी कटाई हो रही है, इनको बोरियों में भर के घर ला रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं हालांकि पहले यहाँ पर कितनी ग्रीनरी हुआ करती थी, अभी फसल जोन से सब कुछ कटाई हो चुकी है। जैसे हमारे गांव में जितने भी फसल है सब खत्म हो जाएंगे तो 10 तारीख को चरागाह से भेड़ बकरियों को लाके खुला छोड़ देंगे। और अभी थोड़ी देर तक मैंने दुमसम जाना है, वहाँ पर एक भाई ने दावत की हुई है, और दूसरा जो जरूरी काम है वहाँ पर एक स्कूल है वहाँ पर जाना है। जिस काम से मैंने वहाँ पर स्कूल में जाना है वो मैं वहाँ पर पहुँच के आप लोगों को बताऊंगा कि किस काम से मैं वहाँ पर गया था। और जो तीसरा जरूरी काम है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों में से 70% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, यार सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा हौसला मिलता है, मुझे और व्लॉग्स बनाने का दिल करता है, तो सब्सक्राइब लाजमी से करिएगा। और मैं आज का अपना व्लॉग इस प्यारे दिन से शुरू करता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने तोहफे में ये बादाम दिए थे, मैं उसका नाम तो नहीं लेता, लेकिन उसने मुझे कहा था कि तुम रोज़ाना ये तोड़ के खाया करो, तुम्हें अकल थोड़ा तेज़ हो जाएगा व्लॉग्स बनाने में। तो मैं रोज़ाना ही खा रहता हूँ, 10 के 15 दाने सुबह को खाता हूँ और 10 के 15 दाने रात को सोते वक्त। वाजू वाली से तैयार होके आई है, हाँ हमने भी जाना मेरे साथ, चलो आ जाओ। तो हमें अभी बाइक भी मिल गई है, ये जो हमारा अपना बाइक था ना ये अगला टायर ही पंचर है, वापसी पे आके इसको पंचर लगवाएंगे। अभी फिलहाल मैंने किसी और से ये बाइक ली है, इसको दुमसम लेके जाएंगे। चलो ले अलीजू उतरो, पहुंच गए हम दुमसम, शाबाश। यार काशिप तुम कब से आए हो इधर, हाँ किसके साथ आए थे, इधर देखो शर्मा रही हो, किसके साथ आए थे, तैबू के साथ। काशिप भी तैबू के साथ पहले ही आ गया था, और मैं फूफी और अलीजू बाइक पर आए थे। तो अभी यहाँ से हम स्कूल जा रहे हैं, सबसे पहले तो स्कूल में जाके जो काम है वो वहाँ पर कर लेते हैं, फोर क्लास में जाते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप सबके, बैठ जाएं। आपके स्कूल में सिर्फ फोर ही क्लास है, अच्छा सेक्शन वाइज किया हुआ, ये कौन सा सेक्शन है आप लोगों का, बी सेक्शन दूसरे क्लास में। 20 minutes later सेक्शन बी में फोर क्लास का, लेकिन यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, लेकिन थर्ड ऐसा कुछ नहीं है, ये दो ही क्लास है यहाँ स्कूल में ना, और ये सेक्शन ए और ये सेक्शन बी फोर क्लास का। वालेकुम अस्सलाम, आप लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, आप लोगों का जो दूसरा सेक्शन है ना वहाँ पर काफ़ी बच्चों ने नात पढ़ा था, तो आप लोगों में से किसी को आता है नात, याद है आपको है जो, और माशाल्लाह यहाँ तो सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। दूसरी क्लास में मैं गया हूँ ना वहाँ पर कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा था, सारे शर्मा रहे थे। चलो गुड ज़बरदस्त, चले आप आ जाए जो पहले। स्कूल में टीचर ने कहा लिखो कलमा तैयबा, जो लिखेगा सबसे प्यारा मिलेगा उसको चांद सितारा।
माशाल्लाह। चल अब लड़कियों में से एक आ जाएं, यूं ग्रुप करके पढ़ने। जबरदस्त, अब चारों ने ना बिल्कुल बराबर से पढ़ा है यार, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त। ऐसे ही आप लोग कहर जुम्मे को पढ़ते हो? A few moments later. तो अभी मैं यहाँ दुमसुम सिर्फ स्कूल में आने का मकसद ये था कि यहाँ पर एक ना टीचर जो कि 2 के 3 साल से यहाँ पर पढ़ा रही है बच्चों को, लेकिन उनको यहाँ पर कोई पे नहीं है, तनख्वाह कुछ भी नहीं है, वो फीस अभी लीला यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही है। 2.5 से 3 साल हो गए उनको यहाँ पर, कोई भी पे नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे जो डोनर साहब हैं ना, जो कि हमारे स्कूल में भी जिनने टीचर लगाए हुए, तो मैं यहाँ पर इस वजह से आया था ताकि उनकी यहाँ पर वीडियो निकाल के जो हमारे जो डोनर हैं, जो हमारे गांव में भी टीचर्स लगाए हुए हैं, उनको भेज देता हूँ। अगर हो सका तो इंशाल्लाह जो डोनर साहब हैं वो इनके लिए भी यहाँ पर थोड़ी इमदाद करेंगे, यहाँ पर जो टीचर हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर तनख्वाह के हिसाब से यहाँ पर रख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर 2.5 साल 3 साल से पढ़ा रही तो हैं लेकिन तनख्वाह कोई भी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर आने का मकसद ये था कि वीडियो हम उन तक भेज सकें और जो डोनर साहब है वो उनके लिए पे करें। क्या हुआ काशिफ, तुम्हें अब्बू कह रहे कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? सच में दर्द हो रहा था? हाँ, आते साथ ही सेब खाना शुरू कर दिया तो पेट में ही दर्द करेगा ना। इसने क्या किया पता है, आते साथ ही चाय पी है, उसके बाद ये सेब खाना शुरू कर दिया, और वो भी देखे ये हाथ से उतारा, इसको धोया भी नहीं, ऐसे ही खाना शुरू कर दिया पेट में दर्द। आपने भी चलाना है? ले इसको भी दो यार काशिफ, इसको भी दो चलाने, और खाना है सेब, बस सेब और खाना है, बस करो यार और पेट में दर्द करेगा। यहाँ पर इतने मजे मजे के सेब लगे हुए, और ये हमारे जो घर में सेब है ना, सेम वही सेब है, इस ये भी लेट ही पकता है, और हमारे घर में एक जो सेब था ना वो उसका सीजन खत्म हो चुका है, और वो ख़त्म ही कर लिया है। स्कर्दों से कल आया हूँ ना, देखा तो सारे सेब ख़त्म हो गए थे, अभी थोड़े थोड़े 1-2 दाने बचे हुए, और ये वाले सेब अभी सही से पके नहीं है। ये इसको क्या करना पड़ता है, इसको दरख्त से उतार के ना फिर जो अनाज होता है ना बीच उसके अंदर रखना पड़ता है, फिर जाके ये पकता है। 2 hours later. अल्हम्दुलिल्लाह अभी खाना भी खा लिया, और अभी मेरे साथ गुलजार भाई मौजूद हैं। आपसे एक शिकायत है मेरी। क्या हुआ? आप लोग यार लाइट ही नहीं लगाते हमारे गाँव में, और जो मेरे व्लॉग्स है वो टाइम पे अपलोड ही नहीं होते। फिर लाइट का इस वक्त सीजन ऑफ है, पहाड़ों पे अभी बर्फ जम रहे हैं, इस वजह से दरिया में जो है ना पानी, अच्छा, उसकी जो अशरा है वो कम हो रहे हैं, अच्छा, दिन ब दिन कम हो रहे हैं, इस वजह से लाइट का थोड़ा इशू है। इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के बाद दरिया को मुकम्मल तौर पर, रुख को मुकम्मल तौर पर मोड़ के ना, अच्छा, चैनल में छोड़ा जाएगा, इसके बाद बिजली का इंशाल्लाह फिर सही हो जाएगा। यार गुलजार भाई, मैं जब से स्कर्दो में सोया हूं ना, कल स्कर्दो पहुंचा था तो घर वालों से पूछा तो वो तो कह रहे थे कि यार 10 दिन हो गए यहां पर लाइट दिन को रहती ही नहीं है। कल रात को मैंने ना एक वीडियो अपलोड के लिए लगाया और जाके अब सुबह देखा तो 95% हुआ था अपलोड। इसी अक्टूबर के महीने में पानी का वो मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है गुलजार भाई, बस आपने ये काम जल्दी से सही करना है यार गुलजार भाई, यकीन करे वीडियो अपलोड ही नहीं होती, इतना मसला होता है ना। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यार गुलजार भाई। आओ इधर बाइक पर बैठने आओ, आ जाओ बैठ गयो। अपनी दोस्त को अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफिज। वो तो शर्मा रही है, देखो वो शर्मा रही है। काशिफ आपका कोई दोस्त नहीं बना? हाँ ठीक है गुलजार भाई, जो ये जो फिर इजाजत दे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ठीक है जो, अभी हमने घर जाके हमारा जो सिल्वर प्ले बटन है ना उसकी अनबॉक्सिंग करनी है, सही है? सिल्वर प्ले बटन क्या होता है पता है? हाँ क्या होता है, क्या होता है? यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन यार, उसकी अनबॉक्सिंग करनी है यार। ठीक है तो अभी जल्दी से घर जाके उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फिर। लिजू उतरो इधर, वहाँ पर कुछ मिल रहा है, उतरो। शाबाश, नाशपाती मिल रहा है, जल्दी चलो इधर अटैक के ले जाते हैं नाशपाती, आ जाओ। हाँ इधर मिल रहा है, इधर से आओ। वो एक बच्चा उतार रहा है वहाँ पर। ये दरख्त किसका है, आप लोगों के किसका है फिर? हाँ बच्चे ऊपर चढ़े हुए आप यार, हमारे लिए भी फेंको ना, हमने भी खाना है।
आप अकेले अकेले खा रहे हो, एक एक करके फेंकना, एक एक करके। हाँ गुड, ये चीज आई है, इधर आओ, देखो ये पकड़ो, एक ये पकड़ो, एक के पक्के से फेंकना, सही है, गुड। ये सही लग रहा है मुझे तो, ये मजे का, गुड। एक मिनट, इधर आओ काशू, ये कैसे है पता नहीं, मजे का है कि ये तो अंडा वाला वो है, क्या नाशपाती है, अंडा नाशपाती है ये तो, बहुत ही नरम नरम, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। ये पकड़ो, मैं तुम्हें पकड़ाता जाता हूँ, सही है, जेबें भर लो अपनी, चलो ये दफा, गुड। चलो एक मिनट, एक मिनट, चलो जेबें भरो, जेबें भरो शाबाश, जल्दी जल्दी, चलो बस नहीं, आप लेके चलो, ये उधर बैग में डालते हैं, उधर लेके चलो, चलो काज जेबें भर ली अपनी, चलो। यकीन करें मैंने ये एक दाना खाया था, बहुत ही मज़े का था, इसको ना हम अंडा न्योटी बोलते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, नरम नरम होता है, यकीन करें मज़ा ही आ गया इधर। और ये था भी ऐसी जगह पर था यार, जहाँ पर मतलब कोई चीज़ है ही नहीं, किसी का घर भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, या अल्लाह। ओह या अल्लाह, बहुत थक गए यार, सुबह से निकले हुए थे और अभी पहुंचे हैं 4 बजे, और अभी बस सिल्वर प्ले बटन भी निकलवाते हैं, फिर उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जी सिल्वर प्ले बटन। अभी सिल्वर प्ले बटन को छत पर लेकर आ गया हूं, और नीचे लाइट भी नहीं थी, अंधेरा हो रहा था, तो मैंने सोचा छत पर लेकर आके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ताकि आप लोगों को भी ये अच्छे से दिख जाए। चलिए तो अभी सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग करने लगे, और अलीजू काशिफ किधर गया, मैंने काशिफ को बोला भी था यार इधर रुको, हम सारों ने मिल के इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। नहीं नहीं इधर आओ, इधर अब रहने दो, उसको ढूंढते किधर रहोगे, अब इधर बैठे रहो, इसको देखते रहो अभी, ठीक है। ओह जी, ये इसका मैनुअल आ गया जी, और इधर लिखा हुआ है आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर आपको ये मिल रहा है, तो लेकिन मेरे तो 1 लाख सब्सक्राइबर ही नहीं हुए अभी तक, ये किस वजह से आ गया मेरे पास यार सिल्वर बटन। एक मिनट, क्या पितरू, चलो रहने दो जी, और पितरू। ओहो हो, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या ही बात है यार, आए है, किधर जा रहे हो, रुको इधर, आए हाय माशाल्लाह, इसको हाथ में उठाया ना यार, क्या सुकून हो रहा है, मोटिवेशन मिलती है इसको जब भी देखते हो ना, क्या कमरा यार, ये वही वाला। अच्छा ये मुझे क्या बोल रही है पता है, कह रही है कि इसको तो कमरे में लगाया हुआ था, इसको आप उतार के किधर ले आओ, तो सही बात है, ये जोन सा सिल्वर प्ले बटन ये मेरा अपना नहीं है, ये मिला, हाँ वही है ना, ये वही है, ये मिला था जी हमारे कबीर भाई को, हमारे फूफी का जो बेटा है ना शिव कबीर, तो उनको मिला था ये सिल्वर प्ले बटन, अलीजू का भाई है, बड़ा भाई ना, इसलिए अलीजू को साथ रखा हुआ है, वही वाला ही है, ठीक है, आपके भाई का है ये, सही है। तो अभी ये देखें, शेफ कबीर लिखा हुआ है यहाँ पर, और 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर वो कबीर भाई को मिला था ये, इसको जब भी देखता हूँ ना मोटिवेशन मिलती है यार, और दिल करता है कि इंशाल्लाह एक दिन मुझे भी ऐसा मिलेगा और व्लॉग्स बनाता हूँ। यार यकीन करें ये तो शीशा, पूरा शीशा है शीशा। इसको ना दीवार पर लगाया हुआ था, तो मुझे अलीजू कहती है कि यार ये तो दीवार पर लगाया हुआ था इस तरह का एक, ये आपके पास कहाँ से आ गया, तो ये वही वाला है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो आप लोग मुझे बताएं मेरे YouTube फैमिली, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही ना, इंशाल्लाह एक दिन सिल्वर प्ले बटन, क्या गोल्डन प्ले बटन भी आ जाएगा इंशाल्लाह, तो बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो अभी से जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।